यदि मछलियाँ मनुष्य होती। क के मकान मालकिन की नन्ही पुत्री ने उससे पूछा, यदि शार्क मछलियाँ मनुष्य होती तो क्या वे छोटी मछलियों से अच्छा व्यवहार करती? बेशक, क ने कहा, यदि शार्क मछलियाँ मनुष्य होती तो वे समुद्र में छोटी मछलियों के लिए मजबूत दिव्य बनवाते। वे वहाँ हर प्रकार का भोजन, पौधे और छोटे छोटे जीव जंतु भी रखती। डिब्बों में सदा ताज़ा पानी भरा जाता और पूरी पूरी सफाई रखी जाती। यदि छोटी मछलियाँ घायल हो जाती तो तुरंत उनकी मरहम पट्टी की जाती, ताकि उनके समय से पहले मरने से शार्कों की हानि न हो। छोटी मछलियाँ उदास न हो जाए इसके लिए समय समय पर जल विहार के कार्यक्रम रखे जाते। दुखी मछलियों की अपेक्षा प्रसन्न मछलियों का स्वाद अच्छा होता है। उन बड़े बड़े डिब्बों में पाठशालाएं भी चलती। वहाँ छोटी मछलियों को यह सिखाया जाता कि तैर कर शार्कों के मुंह में कैसे घुसना होता है। वहाँ उन्हें भूगोल सिखाया जाता ताकि वे सुस्ता रही शार्कों की सेवा में पहुँच सके। पाठशाला का मुख्य विषय छोटी मछलियों को यह शिक्षा देना होता कि एक छोटी मछली के लिए सबसे महान काम अपना बलिदान देना है। उन्हें शार्कों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। छोटी मछलियों को यह बता दिया जाता कि शार्क उनका भविष्य उज्जवल करने में लगी हैं। छोटी मछलियों को अनुशासन सीखना चाहिए, उन्हें साम्यवादी विचारों से बचना चाहिए। यदि किसी मछली में ऐसी बात दिखाई दे तो तुरंत शार्कों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यदि शार्क मनुष्य होती तो उसमें भी कला का विकास होता। बहुत शानदार रंगों में शार्कों के दांतों के सुंदर चित्र होते। कुछ चित्रों में शार्कों के मुंह और जबड़े में ऐसे बढ़िया खेल के मैदान दिखाए जाते कि वहाँ मजे से खेला और लौटा जा सकता है। समुद्र के तल पर बने नाटक घरों में नाटक होते। इनमें बहादुर छोटी मछलियों को बड़े उत्साह के साथ शार्कों के हलक में घुसते हुए दिखाया जाता। वहाँ इतना सुंदर संगीत होता कि इसे सुनकर छोटी मछलियाँ सपनों की दुनिया में डूब जाती। तब वे खुशी खुशी शार्कों के पेट में उतर जाती। यही उनका धर्म भी होता। धर्म में उन्हें सिखाया जाता कि सच्चा जीवन शार्कों के पेट में जाने से शुरू होता है। यदि शार्क मनुष्य होती तो छोटी मछलियों में अब जैसी समानता नहीं रहती। कुछ मछलियों को पद देकर दूसरे मछलियों से बड़ी बना दिया जाता। जो थोड़ी और बड़ी होती उन्हें अपने से छोटी मछलियों को खाने की आज्ञा दे दी जाती। यह बात भी शार्कों के लिए फायदे की होती, क्योंकि तब उन्हें खाने के लिए बड़ी मछलियाँ ज्यादा मिलती। छोटी मछलियों में जो महत्वपूर्ण हो जाती वे छोटी मछलियों पर हुक्म चलाती। वे शिक्षक, अधिकारी, इंजीनियर बन जाती। संक्षेप में, यदि शार्क मनुष्य होती तो समुद्र में भी सभ्यता पाई जाती।